वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। और संजय मान भूमरे मंत्री पद की शपथ लेने मंच पर जाते हुए, आइए बात कर लेते हैं विनोद जगदाले के करके सभी मंत्रियों के बारे में बता रहे हैं। विनोद, संदीपान आसाराम भूमरे, देखिए संदीपान भूमरे पांचवी बार औरंगाबाद की पैठन सीट से विधायक के तौर पर ये जीते हैं। इससे पहले मंत्री कभी नहीं बने हैं, पहली बार कैबिनेट मंत्री पद की लॉटरी उन्हें लगी है। कई ऐसे लोगों का नाम को पीछे कर ये सबसे आगे वहां पर पहुंचे हैं। मराठा समाज का नेता है ये, मराठा समाज के और मराठवाड़ा में जो शिवसेना है उसको बड़ा करने का काम पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं। एक दिलचस्प जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूँ, करीब 30 से 35 साल पहले एक शुगर फैक्ट्री में बतौर ये वर्कर काम करते थे, बहुत ही कम सैलरी पर, लेकिन बाला साहब ठाकरे के साथ वो जुड़े और शिवसेना के 5 बार विधायक बन चुके हैं और अब कैबिनेट मंत्री उन्हें उद्धव ठाकरे ने वहां पर मुख्यमंत्री ने बनाया है। जी विचारार्थ विनोद, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि करके तमाम मंत्री मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और विनोद साथी बता रहे हैं कि किसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त आप देख रहे हैं संदीपन भूमरे जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, ये बड़ा तोहफा इनको दिया गया है। और साथ ही जिस तरीके से विरोध ने बताया कि कई नाम थे रेस में लेकिन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए इनको मंत्री पद से नवाजा गया है। ऐसे कई बड़े नेता हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और पार्टी के लिए लगातार जी जान से लगे रहे और उसी का ही नतीजा है कि आज उनको इतना बड़ा तोहफा मिला है, मंत्री पद से नवाजा गया है। तो महाराष्ट्र के मंत्री बने हैं संदीपान भूमरे। उद्धव सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की इस वक्त आप देख पा रहे हैं और एक एक करके वो तमाम बड़े नाम जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है वो एक बार फिर से आपको बताते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक, कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। अशोक चौहान, आपको बता दें कि राज्य के पूर्व सीएम शंकर राव चौहान के पुत्र हैं। वहीं अशोक चौहान के बाद धनंजय मुंडे ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। धनंजय मुंडे भाजपा